नमस्कार, हर्बल पॉइंट बेगूसराय की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। बंधु, आपके स्वास्थ्य के प्रति यह हर्बल पॉइंट हमेशा सतर्क और सजग है और आपको भी सजग करना चाहता है। और हमारे यहाँ बिल्कुल आहार पद्धति से विभिन्न रोगों की चिकित्सा की जाती है। आपके खान पान के कारण, उसके गड़बड़ी के कारण, उसके कम जानकारी के कारण या जानबूझकर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ करते हैं और आपके अंदर जो विसंगति आती है उसी को डॉक्टर लोग रोगों की संज्ञा दे देते हैं और आपको दवाइयों के बोझ से और चिकित्सा के अन्य उपकरणीय बोझ से लाद देते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य भी चरमरा जाता है और आर्थिक स्वास्थ्य भी गड़बड़ा जाता है। और अपने यहाँ जो इस तरह के काम होते हैं उसको आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। बगल में जो घंटी वाली आइकॉन है उसको दबा के नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर देंगे तो हमारी सारी सूचनाएं आपको मिलती है। आज मैं जिस रोग को लेकर आपके सामने आ रहा हूं वो आरंभ से अंत तक देखने वाली बात है। वह एक दुनिया का एक बहुत ही प्रचलित और ग्लोबल रोग हो गया है, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन इत्यादि बहुत सारी बातों नामों से ये पुकारा जाता है। और इसके कारण हम दिल के रोगी हो जाते हैं, हमारा दिल बंद हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, हमारी मृत्यु तक हो जाती है। हमारा आयुर्वेद दुनिया का सबसे पुराना चिकित्सा शास्त्र है, मगर आज अपने देश में ही यह कितना कम महत्व पा रहा है उसे हम बिल्कुल अवगत हैं। इन शास्त्रों में उच्च रक्तचाप नाम का किसी रोग की चर्चा नहीं, एड्स का तो नामो निशान नहीं है, क्योंकि एड्स का खोज और विदेशों में हुई और वहीं से हमारे देश में आया अतीत हुआ। पता नहीं कितने लोग इससे मरे हैं, मुझे नहीं मालूम, आंकड़ा भी नहीं है, मुझे जानकारी भी नहीं है और आज तक कोई एड्स का मरीज मुझे नहीं मिला। आयुर्वेद में हाँ एक रक्त विक्षेप, स्नायु दौर्बल्य, वात प्रकोप और शिरोव्याधि की चर्चा है, जो कि खास करके नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग होते हैं। और हमारा भी मानना है कि एक ही रोग किसी को होता है, वो नर्वस सिस्टम का रोग। और नर्वस सिस्टम जहां से जाम होता है किसी कारणों से, कोलेस्ट्रॉल के कारण या अन्य कारणों से, तो जिन अंगों में वो जाम का असर होता है उस अंग में अलग अलग नाम से रोगों की चर्चा हम लोग करते हैं। अलग अलग उसके चिकित्सक होते हैं, अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, अलग अलग चिकित्सा होती है। जो ऊपर हमने बताया रक्त विक्षेप, स्नायु दुर्बल, वात प्रकोप और शिरोव्याधि, इसके अधिकांश लक्षणों की समानता उच्च रक्तचाप से है। उच्च रक्तचाप क्या है? उच्च रक्तचाप या रक्तचाप कहिए, हमारे रक्त नलिकाओं जो आर्टरीज है में रक्त का संचरण की गति हमारे हृदय से मिलती है, जो सतत पंपिंग प्रक्रिया करती है, जिसे दिल का धड़कना या हार्ट बीट कहा जाता है। इसका ये सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि इसका मान जो हो सकता है वो धड़कने की कितनी गति होगी वो 60 से 80 के बीच होगी। आइडियल जो धड़कने की हार्ट बीट है वो 72 माना गया। हृदय हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसका धड़कना ही हमारे जीवन का प्रमाण है और इसका बंद हो जाने ही मृत्यु का। उसमें होता क्या है, हृदय में जो ये प्रेशर पड़ता है और पंपिंग जो होता है, इसके कारण जो ब्लड है वो धमनियों के माध्यम से हमारे संपूर्ण शरीर में चक्कर लगाता है, प्रभ्रमण करता है और ये भ्रमण करने के बाद पुनः वह हृदय में लौटाता है। हृदय का काम है कि उस ब्लड को फिर से शुद्ध कर वापस उन रक्त नलिकाओं में पूरे शरीर में पुनः भ्रमणार्थ भेजने का काम करता है। इस ब्लड पर जो हृदय के द्वारा दबाव पड़ता है उसे ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह कोई रोग नहीं अपितु यह तो एक नेचुरल फेनोमेना, स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब यह दबाव अधिक होता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं
और जब कम होता है तो उसको लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, बिल्कुल सामान्य सा। देखिए इस पर बात करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है, लेकिन मैं एक सिंपल जानकारी आपको देना चाहता हूँ इसके बचाव के लिए। अधिक जानकारी के लिए फिर आप डॉक्टर या और दूसरे जगह संपर्क कीजिए, या दूसरे जगह हम भी आपको देने की कोशिश करेंगे। ये दोनों स्थितियां स्वाभाविक से थोड़ा अलग होने के कारण, जो एक स्वाभाविक है उससे अगर कम बेसी हो गया तो इसी को हम लोग रोग की श्रेणी में शुमार करते हैं। उसको ये हृदय रोग या ब्लड या रक्तचाप का रोग कहते हैं। हृदय का जो ये धड़कन है, हृदय की धड़कन जो है यह, वह जो समय अधिकतम दबाव जब होता है उसका, तो उसको सिस्टोलिक वो प्रेशर कहते हैं, जिसमें हृदय के निचले भाग के वर्टिकल्स के ये अंकुचन, जिसको कंट्रैक्शन कहते हैं, इसके कारण ये होता है। ये हृदय के जो दो धड़कन हैं और इन दो धड़कनों के बीच का जो अंतराल में दबाव बहुत कम से कम पड़ता है, और उस दबाव को डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। इन दोनों के संतुलित दबाव को ही रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसके मापदंड समय अनुसार बदलते रहते हैं। सामान्यतया बच्चों का 80 और 50 मिलीमीटर मरकरी का होता है, जबकि युवा अवस्था में यह बढ़कर 120 और 70 का हो जाता है। वयस्कों के लिए इसे 140 और 90 माना गया है, लेकिन कुछ दिन पहले तो इसको 120 और 80 mm पारा का कर दिया गया था। मोटा मोटी डायस्टोलिक और उसका सिस्टोलिक जो होता है, वो डायस्टोलिक तो कम से कम 90 मानिए, तब तक आप उसको सामान्य कह सकते हैं, और सिस्टोलिक जो होता है वो 90 प्लस एज, आपका जितना एज है वो जोड़ दीजिए, उतना अगर है तो घबराने की बात नहीं। 1918 में जो एक नया ACP गाइडलाइन आया, उसके द्वारा क्या है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो प्रेशर है दोनों का अगर टोटल 250 और 300 के बीच हो तो दवा लेने की जरूरत नहीं, और हम लोग उसको आहार पद्धति से डाइट चार्ट बनाकर और उसके अनुसार अगर रोगी अनुसरण करें तो वो ये ब्लड प्रेशर से मुक्त हो जाते हैं। इस पर हमारा आयुर्वेद शास्त्र तो मौन है, क्योंकि उसमें ब्लड प्रेशर की चर्चा ही नहीं है, लेकिन आजकल अनेक ये शोधों और अनुसंधानों का क्रम चल रहा है, जिसके कारण इस पर काफी काम हो रहे हैं और काफी नई जानकारियां भी मिल रही है। इसके जो मूल कारण में है वो दो तरह के होते हैं, एक तो शारीरिक और दूसरा मानसिक। अब हम आपको शारीरिक और मानसिक कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। देखिए इसके कारण पर अगर हम दृष्टिपात करें तो मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि अनुचित और असंगत आहार ही इसका मुख्य कारण होता है। इसके कारण होता क्या है कि ब्लड वेसल्स यानी रक्त नलिकाओं के मार्ग जो है वो काफी सकड़ा हो जाता है, खास करके कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण। अब कोलेस्ट्रॉल क्यों जमता है इस पर हम चर्चा मैं आप करने जा रहा हूं। दूसरा है कि आपके किडनी में कोई विकार हो जाए या लीवर के द्वारा जो रक्त प्रवाह में जो रुका होने वाले रक्त प्रवाह में जो रुकावट होता है, इसके कारण भी आपका जो है सो पोस्टर वेन में दबाव पड़ता है, जिसके कारण भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। ये वंशानुगत भी होता है, अगर आपके पिताजी माताजी और किसी को है तो भी होता है। आपका वेट बढ़ रहा है, आप फैट का अधिक सेवन करते हैं, इसके कारण भी हो सकता है, और आपका बुढ़ापा तो कारण है ही, इसीलिए बुढ़ापा में आपके ब्लड प्रेशर का सीमा बढ़ता चला जाता है। 90 प्लस एज यानी 60 वर्ष के हैं तो 150, 70 के हैं तो 160, 80 के हैं तो 170 तक नॉर्मल कहा जाएगा, लेकिन आप विभिन्न चिकित्सकों के यहाँ जाएंगे तो 120 से बढ़ा तो फिर आपको दवाइयों के बहुत से लाभ देंगे, जिसका साइड इफेक्ट से भी होता, खान पान में आप परहेज करेंगे नहीं और दवाइयां खाते चले जाएंगे। ये तो आपके शारीरिक कारण हुए, इसके कुछ मानसिक कारण भी होते हैं। मानसिक कारण क्या होता है, चिंता, जब आप बहुत चिंतित होते हैं, किसी कारण से आपको सदमा लगता है, शोक ग्रस्त हो जाते हैं, और क्रोध
उसमें बढ़ जाता हाइपरटेंशन के कारण। आप ईर्ष्याग्रस्त रहते हैं, अपना कम दूसरे को देख के आप ज्यादा जलन महसूस करते हैं, उसमें भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अवसाद तो है ही, जैसे हम कभी कभी अकेलेपन के कारण, बिना काम के रहने के कारण, अभाव के कारण हम अवसाद में चले जाते हैं, तो भी आप ब्लड प्रेशर के शिकार हो सकते हैं। तनाव तो इसका मुख्य कारण होता ही। तनाव होता क्या है, आजकल के युग में तनाव से हम बच नहीं सकते। लोग खुद भी तनाव में रहते हैं और दूसरे को भी तनाव डालते हैं। अहंकार भी इसका एक कारण हो सकता है। इसका कारण एक नकारात्मक सोच भी है, निर्लज्जता भी है। इसके कारण आपके ये सब मानसिक कारणों से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, हमने कहा था वो कोलेस्ट्रॉल की चर्चा। कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है, आपको जानते हैं कि जब आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो टोटल जो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो 250 के नीचे होना चाहिए। आप होता क्या है कि आप उसके एलडीएल एचडीएल के चक्कर में है और 250 तक है तो आपको दवा खाने की जरूरत नहीं, आपके खान पान से ठीक हो सकता है। और ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ कैसे जाता है, आप जानते हैं कि तेल, लोगों को जब कहते हैं तेल छोड़िए तो लोगों के देह में लगता है कि क्या कह रहे हैं, खाएंगे कौन चीज, लगता है कोई तेले खा पी के चिंता रह रहे। अरे बंधुओं, आपके 95% रोगों का कारण आपका तेल घी है, मक्खन है, आप उसके दूध है, आपके मैदा है, उसके उत्पाद है जो कि समूचे बाजार वही भरा हुआ। इतने अधिक चीज हमें बीमार करने के लिए है और हम सतर्क नहीं है तो स्वाभाविक है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो फिर हम बीमार होंगे। अब देखिए इसके लक्षण क्या क्या हो सकती है। देखिए ये तो एक साइलेंट किलर का रहा था, लंबी अवधि तक आपको पता भी नहीं चलेगा आपको क्या हो रहा। फिर देखिएगा आपको सिरदर्द होने लगा, चक्कर आने लगती है, थकान होने लगता है, चेहरे पर काफी तनाव आता है, आपके हाथ पांव में दर्द रहते हैं, ऐंठन होती है, रात में नींद नहीं आती, अनिद्रा के आप शिकार हो जाते हैं, सांस की समस्या हो जाती है, आप भयभीत है यानी डर बढ़ जाता है आपके अंदर, चिड़चिड़ापन आपके अंदर काफी बढ़ जाता है और बहुत अधिक बेचैनी भी महसूस करते हैं। ये सब इसके सामान्य लक्षण हैं। तो वैसी स्थिति में आपको आपका आपके ब्लड प्रेशर की जांच की जाती है जो मिलीमीटर पारे में नापा जाता है। अब इसका निदान क्या क्या हो सकता है, देखिए निदान में है कि खास करके आप सोडियम युक्त भोजन कम करें। सोडियम के बढ़ने से शरीर में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और उसको घटाने के लिए आप पोटासियम और मैग्नीशियम युक्त का आहार प्रयोग करें। मेथी, लहसुन, अदरक आप खाते हैं, आपका इकोस्प्रीन खाते हैं आपके ब्लड को पतला करने के लिए, थीन करने के लिए, क्योंकि नली जब सक्रिय हो जाती है तो ब्लड भी अगर पतला रहे तो उसका दबाव का घट सकता है। तो आप इकोस्प्रीन के जगह पर आप सुबह सुबह लहसुन का 2 पोट खाते हैं और अदरक भी एक थोड़ा सा खा लेते हैं, हल्दी का भी एक टुकड़ा खा लेते हैं तो आपका ब्लड जो है वो थीन हो जाएगा और आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ब्लड थीनर खाने की कोई जरूरत नहीं। मेथी, अजवाइन, काली जीरी वगैरह तो इसके अलग से उसके मिक्सचर भी आते हैं, खास करके हम ब्लड प्रेशर को खुद बढ़वाते हैं, हम मद्यपान धूम्रपान में लिप्त रहते हैं उसका परित्याग करना होगा। अगर उसका परित्याग न करेंगे तो फिर आपके कोई दवाई का भी कोई लाभ नहीं होगा। इसके अलावा अन्य शारीरिक क्रियाकलाप, जैसे टहलिए, आप प्राणायाम कीजिए, व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, जो भी इससे उपयुक्त हो उसको हटाने के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो उच्च रक्तचाप है वो कम हो सकते हैं। मैंने उसके अलावा मेरा एक आरोग्य आहार है या डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का DIP डाइट है और आपके डॉक्टर विमल छाजेर जी का एक 0 वाइल कुक है, इस तीनों वीडियो को तो आप जरूर देखिए। देखने से क्या आपको पता चलेगा कि आपको क्या खाना चाहिए। अगर आहार के हिसाब से आप खाते हैं, पानी पीने का तरीका, पानी पीते हैं आप एक गटक के सीधा फ्रीज से निकाल के, खाने के 1 घंटा के बाद घूंट 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 कर पानी कीजिए, आपके सुबह उठते के समय बिना मुंह धोए अगर 1-2-3 गिलास
सुषुम पानी लेते हैं और मुंह का सारा जो एंजाइम है लार है पेट के अंदर ले लेते हैं तो आपको कभी गैस नहीं बनेगी। खाने में हम दो तीन चीज का परहेज करने के लिए कहते हैं साधारण नमक के जगह सेंधा नमक लीजिए, चीनी जो व्हाइट है वाला छोड़ दीजिए, उसके जगह पर शक्कर स्टीविया या खजूर का प्रयोग कीजिए, मेथी या उसके उत्पाद या सॉरी मैदा और उसके उत्पाद अब सब ऊंचा देख लीजिए, बिस्किट पावरोटी चाउमीन क्या 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 सब है, मेथी के समोसे जलेबी उसको आप हटाइए। मांसाहार नहीं कीजिए, आप अगर चार टांग वाले मांस खाते हैं तो उसमें इतने ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, आपको मैं बताऊं 100 ग्राम अगर मांस आप खा लेते हैं चार टांग वाला तो आप लगभग 25 से 30 दिन के बीच में जितना फैट हमारे शरीर को होना चाहिए वो हम ले लेते हैं, तो 100 ग्राम खाता कौन है, ये तो आधा किलो भर तक खाने वाले लोग हैं तो उनकी क्या स्थिति होगी, अगर मोटापा हो जाता है जो टोटल कैलोरीज हमारी 1600 से 2500 के बीच होनी चाहिए अब उसको हम उससे ज्यादा ले लेते हैं, खाने पीने पर कहीं कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। इसके अलावा आप क्या क्या खाइए, सेंधा नमक खाइए, फल खाइए, सलाद खाइए, आप हरी सब्जी खाइए, साग खाइए, पत्तों वाले साग का अधिक से अधिक प्रयोग कीजिए, फिर देखिए कि आपका इन सब चीजों से कितनी जल्दी मुक्ति मिलती है। और मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ, आपको बचाना चाहता हूँ, ये शुरू से कीजिए। बीमार होने पर तो बहुत लोग करते हैं, बुढ़ापे बूढ़े लोग ही टहलते नजर आते हैं, जवान लोग कम टहलते हैं, जिसके कारण बुढ़ापे में आप इस चीजों से बचे इसके लिए शुरू से टहलने की आदत डालिए बंधु। और इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखिए, और मैं सोच चाहता हूं कि आहार पद्धति से विभिन्न रोगों की चिकित्सा आप करें, 250 तक अगर टोटल हो डायस्टोलिक सिस्टोलिक तक कोई दवा का प्रयोग न करें, सिर्फ आहार के द्वारा आप मुक्त हो जाएंगे। आप मद्यपान धूम्रपान का एकदम परित्याग कर दें, अगर आपका वंशानुगत है तो पहले से सतर्क रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके सुंदर स्वास्थ्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।